तो हे गाइस, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग शॉपसी में कूपन कोड कैसे यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको शॉपसी में कूपन कोड यूज करना मैं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिम्स आपको यहाँ पर कोई क्लॉथ बाय कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे कुर्तीस है। ठीक है तो मैं कुर्तीस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है आप लोग को जो भी पसंद है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे कुर्ते यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है 87% ऑफ यहाँ पर मिल रहा है, 125 का कुर्ता मिल रहा है। ठीक है उसका 130 का यहाँ पे है, उसका यहाँ पे 112 रुपये। ठीक है तो 112 वाले पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, सबसे लो प्राइस में वाला ठीक कुर्ता यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके इस पर क्लिक करना है आपको, जैसे यहाँ पे क्लिक करो ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है सिंपल सा। ठीक है तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है सिंपल सा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से साइज़ यहाँ पे ले लेना। ठीक है लॉन्ग एक्सल जो भी हो ले लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना। उसके बाद फिर यहाँ पे ये शॉपसी की तरफ थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो शॉपसी की तरफ से यहाँ पे मैंने ये कुर्ता बाय किया, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कूपन्स फॉर यू। ठीक है यहाँ पे कूपन्स फॉर यू यानी शॉपसी ने जो है अपने आप ही यहाँ पे कूपन कोड अपने आप यहाँ पे अप्रूवल कर दिया है। ठीक है यानी कि शॉपसी की तरफ से यहाँ पे अपने आप जो है यहाँ पे कूपन हमारा सक्सेसफुली हो गया। ठीक है तो दोस्तों शॉपसी में कहीं और से जाके कूपन डालने की जरूरत नहीं होती है, शॉपसी खुद अपने आप यहाँ पे कूपन दे देता है। ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।